आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है द विजिबल पार्ट ऑफ द सन इज कॉल्ड। तो सन का जो विजिबल पार्ट होता है जो हम अर्थ से देख सकते हैं, तो इस विजिबल पार्ट को क्या बोलते हैं? फोटोस्पियर, बायोस्पियर, सोलर स्पियर और लास्ट है हेलोस्पियर। तो सही आंसर है फोटोस्पियर, बाकी के हो जाएंगे गलत। क्यों? हम देखते हैं कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, मतलब कोई ग्रहण या कुछ और चीजें नहीं है, तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, द ब्राइट येलो सरफेस ऑफ द सन, ब्राइट येलो सरफेस ऑफ द सन, ये हमें दिखेगा। क्योंकि जब भी हम सन की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ब्राइट येलो सरफेस दिखता है सन का, और इसे हम बोलेंगे फोटोस्पियर, फोटोस्पियर। और दिस इज ओनली फीचर वी कैन ऑब्जर्व, ओनली दिस पार्ट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस वी कैन ऑब्जर्व। अब कोई स्पेशल इंसिडेंस है जैसे कि हम बोल सकते हैं हाउएवर टोटल सोलर इक्लिप्स जब होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स, ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, ये जब प्रेजेंट होता है ये है एक रेयर अपॉर्चुनिटी, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एक तो कोरोना एंड हीमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ये हो गया क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर ये रियर अपॉर्चुनिटी है, वरना हम जो पार्ट देख सकते हैं अर्थ से सन का वो है फोटोस्पियर, जो कि दिखता है हमें ब्राइट और येलो कलर का सरफेस। तो हमारा ऑप्शन वन जो है वो होगा करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।